स्वागत है आप सभी को मेरे नए एक वीडियो में। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों आज मैं घर को आया हुआ, दो दिन हो गया। दो दिन के बाद ये शूट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अपने गांव में घूमने के लिए जा रहा हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ, एंड तो जरूर देखना। और साथ ही आपने अभी तक मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेश करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये हालत है हम लोगों का गांव का, मतलब यहाँ पे जो बारिश का सीज़न आता है, बारिश का सीज़न में पूरा यहाँ पे पानी हो जाता है, मतलब पूरा भर के पानी हो जाता है। भर के पानी हो जाने की वजह से हम लोग यहाँ पे खेती नहीं कर पाते हैं। अभी छोटा है लेकिन जब बारिश का सीज़न आएगा ना तो बारिश का सीज़न में पूरा भर जाता है यहाँ पे। अभी जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं ये नदी है, मतलब नदी है। जब बारिश का सीज़न आएगा तो नदी बन जाता है, ज़्यादा होता है पानी, पूरा भर्ती हो जाता है, मतलब फूल हो जाता है यहाँ पे। तो फूल होने की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वहाँ पे इस रास्ते से तो हम चल नहीं पाएगा, तो वहाँ से घूम के जाना पड़ता है हम लोगों को, बाटासीपुर होके जाना पड़ता है। बाटासीपुर होके जाके आपको पूरा दिक्कत होता है, मतलब यहाँ पे जो बाजार, ये बाज़ार जाने का, मार्केट जाने का जो भी प्रोसेस है वो बहुत ही दिक्कत होता है। तो दिक्कत की वजह से क्या होता है, लोगों को स्कूल वगैरह कुछ भी कहाँ पर भी जाना हो आपको तो बहुत सी तकलीफ है। यह रही छोटी सी नदी, जब बारिश हो जाएगा, बारिश आएगा तो ज़्यादा होता है, मतलब भरा बन जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो अभी बारिश नहीं है, बारिश ना होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा अभी पानी कम है, लेकिन फिर भी देखो इतना तक है अभी भी, बहुत ज़्यादा है, मतलब अभी भी थोड़ा सा ज़ोर से चल रहा है। देखिए दोस्तों कितना है ऊँचाई, ये होता है हमारा गांव में, ऐसी हालत है हम लोगों का। जब मार्केट जाना होता है, सब वहाँ पे जाना होता है, तो टाउन वगैरह में जाना होता है, सिटी वगैरह में जाना होता है, तो बहुत ही दिक्कत होता है। नहीं ये कहाँ गया हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग, मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखा रहा हूँ। मैं घर पे आया हूँ तो घर का बहुत ही काम है, तो घर में रहेगा, मैं ज़्यादा घूमने नहीं पाऊंगा। पानी ऐसा होता है गाइस, हमारा गांव का देखो हालत। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आने जाने में तकलीफ कितना होता है, सरकार हम लोग को कुछ भी नहीं देता है। ये देखो दोस्तों, ये जब जो अभी देख रहे हैं, मतलब ये सब हम लोगों का खेत करने का जमीन था, खेत का जमीन था, तो अभी खेत का जमीन नहीं रहा, नहीं रहा, मतलब पानी जब ये जो आ गया यहाँ से, तो पहले तो यहाँ पे नदी नहीं था, पहले नदी नहीं था, अभी नदी जैसा हो गया, यहाँ पे पूरा नदी जैसा हो गया। तो हम लोग, मेरा जो खेत का ज़मीन था वो भी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। इस रास्ते से ही जा रहे हैं हम लोग, जंगल में जा रहे हैं हम लोग, जंगल में था। अभी शाम हो गया, शाम का टाइम में धूप उत्तर भी रहता है, तो धूप की वजह से, उल्टा की वजह से हम लोग, मेरा जो ये वीडियो है थोड़ा सा, ये आज आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा शायद। हमारा ज़मीन, ये जो बम्बू देख रहे हैं ना आप, ये जो बम्बू देख रहे हैं बम्बू का सामने में, और उस तरफ भी हम लोगों का ये जो खेत करने का ज़मीन है। अभी यहाँ से थोड़ा सा दूर तक, यहाँ से थोड़ा सा दूर तक हम लोगों का ज़मीन था, अभी भी इस तरफ भी हम लोगों का ज़मीन है, और हमारा तो कोई ज़मीन और दूसरा नहीं है, यहाँ पर ही हम लोगों को क्या करना पड़ता था, खेत करके खाना पड़ता था।
वाले भाई माइ गई जला सोरना बाजी उरुंडा जासीन बट फारिया अभी मजा आएगा ना भिड़ो हाजिरा जो मा गिदिर खोथा बिले हाजिरायानो जाया माबायानो जाना हाँ बारिश आ गया था। बारिश आने की वजह से हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे क्योंकि बारिश भीगा नहीं सकते अपने शरीर को, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो फिर से आ गया हम लोग, ये चलते चलते आ गया। ये देखो रास्ता भी नहीं है, रास्ता बना के खुद बना के चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रास्ता नहीं होगा। नदी सब ये जो पानी है पानी बर्बाद करके रख के चला गया यहाँ पे। देखिए दोस्तों ये है हमारा रोड, मतलब ये नेशनल हाईवे बोलने से भी ये कोई ये नहीं होगा, तो नेशनल हाईवे है ये हमारा। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो इतना तक ही था, तो मिलते हैं आने वाले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।